नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। बड़ी खबर जिस पर नजर दिन भर लगातार आर्यन खान के जमानत से जुड़ी हुई, जिसमें आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई का दिन है। मुंबई ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट में यह सुनवाई आज होने वाली है। बाकी आरोपियों की जमानत पर भी आज ही सुनवाई होगी, हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। 23 दिन से बंद है आर्यन खान और आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी, जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इससे पहले एनडीपीएस कोर्ट ने बेल की अर्जी को खारिज कर दिया था और अब इस केस में आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। यह देखना बेहद जरूरी है कि बचाव पक्ष के तरीके से क्या कोई नई दलील देता है, क्योंकि बीती तमाम दलीलों को जो बचाव पक्ष द्वारा रखी गई थी उनको सिरे से खारिज किया गया था, उनको आधार नहीं माना गया था। और इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर, आज बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर आर्यन खान, मुनमुन तमेचा और अरबाज मर्चेंट की सुनवाई का दिन है। क्या आज आर्यन खान को हाईकोर्ट से मिलेगी जमानत? क्या आज एनसीबी हाईकोर्ट में पेश करेगी कुछ नए सबूत? अगर हाईकोर्ट से नहीं मिलती है बेल तो मन्नत में हो सकता है दिवाली पर नहीं बटेगी मिठाई। जी हाँ, शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान दोनों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान और दूसरे आरोपियों को 31 अक्टूबर तक जमानत नहीं मिलती है तो उनकी दिवाली जेल में ही बीतेगी, क्योंकि 1 नवंबर से 12 नवंबर तक हाईकोर्ट में दिवाली की छुट्टी रहेगी। इसलिए आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी के साथ आज कोर्ट पर रहेंगे। मैंने पहले से दिन से कहा था कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दीजिए, अभी तक दिए नहीं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हाईकोर्ट में निराश नहीं रहेंगे। हमें तो उम्मीद है कि बिल मिल जाना चाहिए, बट इट्स ऑल अपॉन ऑलमाइटी। सबके ऊपर ऊपर वाला है तो ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा है। पहले दिन से भरोसा था, अभी और भी है। आरोपियों के परिवार को उम्मीद है कि हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी। वहीं एनसीबी भी हाईकोर्ट में पूरी तैयारी के साथ आएगी। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनसीबी हाईकोर्ट में कुछ नए सबूत पेश कर जमानत का पुरजोर विरोध करे। निचली अदालतों में हुई अभी तक सुनवाई में आर्यन खान पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आर्यन खान लगातार अवैध ड्रग्स की गतिविधि में शामिल रहा है। आर्यन के ड्रग्स डीलर से संपर्क है। आर्यन खान के कई विदेशियों से भी संपर्क है। आर्यन के संपर्क वाले ड्रग डीलर्स अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। केवल आर्यन खान ही कुछ अहम तथ्यों का खुलासा कर सकते हैं। आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच ड्रग्स को लेकर चैट हुई है। आर्यन खान काफी समय से ड्रग्स का सेवन कर रहा है। दरअसल आर्यन खान पर बेहद गंभीर आरोप है, इसलिए जब 20 अक्टूबर को निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की थी तो उसकी कई वजह बताई। एनडीपीएस कोर्ट ने कहा था कि आर्यन खान समेत तीनों आरोपी बेगुनाह नहीं हैं। आर्यन समेत तीनों ने गंभीर अपराध किया है। आर्यन का अपराध जमानत के लायक नहीं है। आर्यन पर एनडीपीएस एक्ट 29 लागू होती है। वहीं एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान का ड्रग तस्करों से संबंध है। आरोपी प्रभावशाली हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। आर्यन के व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात है। सोमवार को एनसीबी ने अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची और बाद में आने का समय मांगा। वहीं पिछले दिनों एनसीबी ने अनन्या पांडे के घर से लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत जमा किए थे। उससे अगर कोई ठोस सबूत मिलता है तो कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। एनसीबी ने इस केस को सुलझाने के लिए जांच तेज कर दी थी और ऐसे में इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनसीबी कोर्ट आज कुछ नए सबूत पेश कर दे। वहीं आरोपियों के वकील कोर्ट में ये भरोसा दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि आर्यन खान या दूसरे आरोपी जमानत के बाद ना तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे और ना ही देश छोड़कर भाग जाएंगे। अंकुर त्यागी, जितेंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। इस खबर पर सीधे मुंबई चलते हैं। अंकुर त्यागी जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अंकुर त्यागी। जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में आज सुनवाई का दिन है, 23 दिन से आर्यन खान जेल में बंद है और अगर आज जेल में ही आज जिस तरीके से अगर उनको बेल नहीं मिल पाती है, माफ कीजिएगा, तो 31 अक्टूबर तक के बाद जो पोस्ट दिवाली वेकेशंस रहेंगी उसके बाद ये मुश्किल अब और बढ़ सकती है। लिहाजा आज का दिन बहुत निर्णायक है मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान तीनों के ही लिए। देखिए, जितने भी आरोपी हैं उन सबकी ऑलरेडी एक बार जो जमानत है वो लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है और यहाँ पे जो ग्राउंड्स दिखाए जा रहे हैं लगातार इस बात को लेके जोर रहा है एनसीबी का कि ये पूरा का पूरा एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें ये पहली बार नहीं था, लगातार कॉन्ट्राबैंड्स का इस्तेमाल अरबाज मर्चेंट भी करते रहे हैं, आर्यन खान भी करते रहे हैं और वो इसमें अब जो अनन्या पांडे को जिस तरीके से समन करके बुलाया गया, उनके घर पे सर्च ऑपरेशन किया गया, ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में ड्रग्स की चैट हुई थी, वो वर्बेटम भी जी न्यूज ने अपने दर्शकों को बताया था और
इसके अलावा फिनेंशियल एंगल पर भी एनसीबी ने पिछले 4-5 दिन में बहुत ज्यादा छानबीन करी है, खासतौर पे अनन्या को लेकर, और जो बाकी पकड़े गए आरोपी हैं उसमें मैं आर्यन खान का भी नाम ले रहा हूं। तो इनके बीच में एक कॉन्स्पिरेसी किस तरह से हुई थी जिसमें सेक्शन 29 लगता है एनडीपीएस एक्ट का, वो यहां पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर अभी जमानत याचिका आज जब कोर्ट उस पर सुनवाई शुरू करेगी तो उस पर एनसीबी को अपना रिप्लाई भी फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल, नजर आएगी कि क्या जिन जिन तमाम आधार को खारिज किया गया है एनसीबी द्वारा, जिसको बचाव पक्ष रखा था, क्या एनसीबी के सामने आज कुछ नए सबूत होंगे या फिर एनसीबी कुछ नए सबूत इस पूरे मामले में पेश करने जा रही है, तो इस पर नजर लगातार। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।